हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 14 मार्च 2022। आज की डेट पे मार्केट के अंदर भले ही रिकवरी देखने को मिला, बट एक पर्टिकुलर सेक्टर की मार्केट लीडर शेयर के अंदर आज की डेट में ऑलमोस्ट 12% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला। और आज की डेट पे ये गिरावट दोस्तों स्टार्टिंग से हमें देखने को मिला गैप डाउन ओपनिंग के साथ, आज ओपन हुआ था, उसके बाद लगातार गिरावट एंड क्लोजिंग दिया करीबन 12 से 12.5% गिरावट के साथ। तो ये कौन सा शेयर है इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ साथ ये गिरावट के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है वो भी जानेंगे, और उसके साथ साथ आप अगर ये कंपनी की शेयर होल्डर है तो उस केस में आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है, क्या यहाँ पे सेल करके निकल जाना बेटर होगा या ये गिरावट को आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शेयर का नाम मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ। शेयर का नाम है दोस्तों जुबिलेंट फुटवर्क लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 2010 पे ये मार्केट को लिस्ट हुआ था, 10-11 के अप्रॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो 10 पे। उसके बाद से शेयर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया और आज की डेट पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके पहले भी आप देख सकते हो 2020 के टाइम पे भी इसके अंदर गिरावट आया था, उसके बाद 19 के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ था, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं था, बट ये जो गिरावट दोस्तों काफ़ी हद तक शेयर गिर चुका है। इवन आप देखिए 6 महीने के भीतर शेयर ऑलमोस्ट 40% के करीब गिर चुका है। मतलब ये शेयर चल रहा था इसके पहले जब ऑल टाइम हाई टच किया था लगभग 4,500 रुपये के ऊपर। इवन मैं भी बहुत बार आपको रिकमेंडेशन किया था तो बहुत लोग यहाँ पे खरीदा भी। तो आप अगर हायर लेवल पे शेयर को खरीदा तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गिरावट के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, उसके बाद आपका आगे का रणनीति टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करेंगे। तो आज की डेट पे दोस्तों जुबिलेंट फूड की तरफ से अर्ली मॉर्निंग पे ये नोटिस आया था BSE के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है, जुबिलेंट फूड लॉक्ड एट लोअर सर्किट ऑन CEO मिस्टर प्रतीक पोटास एग्जिट स्ट्रीट डाउनग्रेड स्टॉक। तो बेसिकली जुबिलेंट फूड कंपनी का जो CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था मिस्टर प्रतीक पोटा जी ने आज के दिन पे रेजिग्नेशन कर दिया, और उसके ऊपर बेस करके दोस्तों जो दिग्गज ब्रोकरेज कंपनीज है जुबिलेंट फूड के अंदर लगातार डाउनग्रेडेड रेटिंग किया, और टारगेट प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेडेड या बोल सकते हो बहुत ही लोअर लेवल पर टारगेट दिया और सेल करने का भी राय दिया। तो आपके दिमाग में अभी आया होगा कि एक CEO को बाहर जाने से कंपनी के शेयर के अंदर इतना इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, उसके साथ साथ ब्रोकरेज कंपनी क्यों यहाँ पे डाउनग्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी कंपनी या बड़े कंपनी छोटे कंपनी का कुछ भी कंपनी का दोस्तों जो मेन वाइटल डायरेक्टर होता है, जो टॉप रेटेड डायरेक्टर होता है वो है CEO, MD हो गया, चेयरमैन हो गया, CFO हो गया, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, CFO हो गया, चेयरमैन हो गया। तो ये सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये एकदम टॉप लेवल का डायरेक्टर होता है, जो बेसिकली CEO का काम रहता है बिजनेस को और एक्सपैंड करना, बिजनेस की जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना। तो ये सब चीज़ बेसिकली यहाँ पे हैंडल करना है CEO। तो देखिए आज की डेट पे जुबिलेंट फूडवर्क जो भी है कंपनी का जो प्रोडक्ट है पिज्ज़ा वगैरह, जो कि हम सभी ने जानते हैं डोमिनोज पिज्ज़ा का फ्रेंचाइजी लेकर रखा है इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क के पास है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है डोमिनोज पिज्ज़ा। तो उस पिज्ज़ा का या बोलिए जो भी प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी आज के दिन में हमें मिल रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये तो काम तो करते हैं एम्प्लॉय, बट उसको ऊपर से डायरेक्ट कौन करता है, CEO। तो जिसके कारण दोस्तों इनका जो यहाँ पे रोल होता है वो बहुत ही वाइटल होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रतीक पोटा जी ने बहुत सालों से जुबिलेंट फूडवर्क के साथ थे, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा थे। तो बेसिकली जिसके कारण हमें आज के दिन पे यहाँ पे शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला, साथ साथ जो ब्रोकरेज कंपनीज की तरफ से भी डाउनग्रेड का रेटिंग आया। तो आप इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको याद होगा कुछ साल पहले जब US के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार था, उस टाइम पे गूगल का CEO तो डेफिनेटली आज भी हमारा इंडिया का सुंदर पिचाई सर है, उस टाइम पे भी था, बट वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ यहाँ पे सैलरी हाइक को लेके कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था गूगल की जो मैनेजमेंट के साथ, हमारा जो सुंदर पिचाई CEO है उनके साथ। तो बेसिकली उस टाइम पे सुंदर पिचाई सर को बाहर करने का एक प्लान चल रहा था, बट पूरा एम्प्लॉय उनके साथ खड़ा हो गया, उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि अगर सुंदर पिचाई सर नहीं रहेगा तो हम भी काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप देख सब समझ सकते हो कि एक CEO का कितना वाइटल यहाँ पे योगदान या रोल हो सकता है कोई भी कंपनी के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जिस वजह से जो ब्रोकरेज कंपनीज उनकी तरफ से लगातार डाउनग्रेडेड रेटिंग आए। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च हाउस क्रेडिट स्विस की तरफ से, यहाँ पे आप देखिए पहले जो कि 3,500 का टारगेट था और वो टारगेट को अभी डाउन करके 2,900 पे दे दिया, साथ साथ न्यूट्रल यहाँ पे रेटिंग दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्गन एंड स्टैनली, तो इनका जो पहले का टारगेट था 5,000 रुपये का टारगेट था, वहाँ से दोस्तों 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे डाउनग्रेड किया
और 2250 आज के दिन में हमने देखा 2500 के ऊपर शेयर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे टारगेट आया है 2250 का। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर वेट से शेयर को अंडर वेट का रेटिंग भी दे दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन की तरफ से भी पहले ओवर वेट का रेटिंग था जो कि वहाँ से न्यूट्रल रेटिंग कर दिया गया है, और उसके साथ साथ 4025 का जो पहले टारगेट दिया था वही आज की डेट पे 3000 का टारगेट दिया है। तो रेवरेंटली ये सारे जो ब्रोकरेज कंपनीज आप देख सकते हो लगातार इसके अंदर डाउनग्रेडेड किया है इस वजह से। उसके साथ साथ यहाँ पे मैक्वेरीज की तरफ से भी 3500 के ऊपर जो टारगेट पहले था वही आज की डेट में टारगेट और भी कम किया है, लगभग 2150 तक किया है, जो कि हर एक ब्रोकरेज कंपनी सेम टू सेम किया है बेसिकली सीईओ बाहर जाने के कारण। बट दोस्तों क्या कंपनी खराब हो गया? जी नहीं। तो कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस की ध्यान दें तो आप देख ही सकते हो कंपनी सेल्स के मामले में भी प्रॉफिट के मामले में भी लास्ट 10 साल में बोलिए, 5 साल में बोलिए, 3 साल पे बोलिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस सीएजीआर, आपको इस साल पे थोड़ा सा डाउन लग सकता है क्योंकि आज के दिन में शेयर के अंदर इतना रैपिड डाउनफॉल हुआ है, साथ साथ लास्ट 6 महीने पे 40% शेयर गिरा है जिस कारण एक साल में कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें 10 साल 5 साल 3 साल इतना गिरने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिटर्न नजर आएगा, यानी जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए एकदम सही है। बट फिलहाल एक अब बोल सकते हो कि यहाँ पे बैड डिसीजन जो इनका सीईओ की तरफ से यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया गया है उसके वजह से हमें शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये शेयर और कितना गिर सकता है, कहाँ तक गिर सकता है और आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो ये जुबिलेंट फुटवर्क का 3 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। थोड़ा जूम करूंगा यहाँ पे आरएसआई इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 32 के आसपास पहुंच चुका है, यानी ओवरसोल्ड जोन के करीब आ चुका है। ये अगर 30 क्रॉस करके नीचे आ जाएगा तो डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच जाएगा। अगर हम लास्ट इसका एक साल का चार्ट पैटर्न देखें दोस्तों आज के दिन पे यहाँ पे आप देख सकते हो एक साल में मतलब 52 वीक्स लो आज के दिन पे ही टच किया जो उसका नंबर है लगभग 2500 रुपये की थोड़ा नीचे। इसके पहले भी देखिए जहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था वो था 2750 रुपये का लेवल। इवन कुछ दिन पहले भी हमने देखा था जैसे ही मार्केट गिरा था वॉर की वजह से, जैसे ही शेयर के अंदर रिकवर हुआ पूरा मार्केट के अंदर रिकवर हुआ तो इसके अंदर भी काफ़ी रिकवर हो गया था। आज के दिन पे वही दिन है आप देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ साथ साथ इतना भारी भरकम गिरावट। अब जो सवाल आ रहा है कि ये गिरावट कहाँ तक जा सकता है, जैसे कि मैक्वीडी ने मॉर्गन स्टैनली का जो यहाँ पे टारगेट आया 2250, किसी ने 2150 का टारगेट किया, उस लेवल पर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल निकल कर है वो आ रहा है दोस्तों 2020 की एंड पे जब ये शेयर चल रहा था लगभग 2000 से 2200 के बीच में। तो अगर हम बात करें इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा यानी नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग 2200 रुपये के लेवल पे। अब बात आता है कि आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों कंपनी ख़राब नहीं हो गया, अब देखना ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या, कौन मतलब न्यू सीईओ आ रहा है, क्योंकि सीईओ तो लाना पड़ेगा, विदाउट सीईओ कोई भी कंपनी चल नहीं सकता। तो सीईओ को लाना पड़ेगा, कौन सीईओ रूप में आ रहा है तो डेफिनेटली उस ऊपर भी मार्केट रिएक्ट डेफिनेटली करेगा। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा होल्ड कीजिए, सेल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाई करने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप वेट एंड वॉच कीजिए, अगर आप इन्वेस्ट ऑलरेडी किए हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, बाकी दोस्तों प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना। वीडियो के वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।